الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا क्या आप गुमान करते हैं अन्ना अस्हाबुल कहफी के बेशक अस्हाबुल कहफ कहफ वाले गार वाले और रकीमी और रकीम बस्ती वाले कानू मिन आयातिना अजबा थे वो हमारी निशानियों में से अजबा अजीब। क्या आप ख्याल करते हैं, क्या आपका ख्याल है या क्या आपका गुमान है, क्या आपका ये गुमान है कि गार वालों का रकीम वालों का मामला, गार वाले रकीम वाले हमारी निशानियों में बहुत बड़ी निशानी है, बड़ी अजीब निशानी है। एक सवाल है, सवाल इस्तिफहाम, इसके अंदर इनकार मौजूद है, यानी ये कोई बहुत बड़ी निशानी नहीं है। क्या आप ख्याल करते हैं, क्या आप गुमान करते हैं कि गार वाले रकीम वाले हमारी बड़ी निशानियों में से हैं? आपको ऐसा गुमान नहीं करना चाहिए, यानी ये अल्लाह की कोई बहुत बड़ी निशानी नहीं है। अल्लाह की तो इससे बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ और मौजूद हैं। असल में गार वालों का वाकया ये बड़ा अजीब वाकया था हमेशा से, और कुरैश भी इसको बहुत अजीब वाकया ख्याल करते थे। और वाकई ही ये अजीब वाकया है कि कुछ लोग वो 300 साल 309 साल सोए रहें और फिर उठें तो उनके जिस्मों पे कोई 300 साल के असरात ही उनके जिस्मों पर ना हो। कोई इंसान मर जाए, मर के ज़िंदा होना आसान तो नहीं है, बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह अपनी कुदरतें दिखाते हैं। अल्लाह ने कुदरतें दिखाई हैं कि कोई मर गया तो अल्लाह ने उसको ज़िंदा कर दिया, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। लेकिन अगर किसी को अल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद उठाएं, लंबे अरसे के बाद, तो ये और बड़ी कुदरत है। किसी को अल्लाह 100 साल के बाद उठाएं, जिस तरह तीसरे पारे में सूरह बकरा में एक वाकया है, अवकल्लदी मर्रा अला करियतिन, वो 100 साल तक वो मरे रहे, सोए रहे। कहा जाता है सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया है, वल्लाहु आलम, वो 100 साल के बाद वो उठे तो उनका खाना और वो उन पर 100 साल के असरात नहीं हुए थे, लेकिन उनका गदा उस पर 100 साल गुजर चुके थे और वो पिंजर बन चुका था, उसकी हड्डियाँ बस वहाँ पड़ी हुई थी, लेकिन ना उन पर कोई असर हुआ था ना उनके खाने पीने पर। ये तो उससे भी बड़ा वाकया है, यानी 300 साल 309 साल के बाद वो उठे तो उनको यही लगा कि हम कुछ घंटे सोए हैं, दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी। लेकिन अल्लाह कहते हैं तुम इस निशानी को बड़ी निशानी समझते हो, इससे बड़ी बड़ी निशानियाँ तुम गौर तो करो, इससे बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं। आसमान को ही देख लो, कैसे आसमान बग़ैर सुतूनों के, इतना बड़ा आसमान, इतना भारी आसमान, हमें कोई सुतून नज़र नहीं आते, खड़ा है, किसने थामा हुआ उसे अल्लाह के अलावा? ये ज़मीन कायम दायम है, किसे किसने थामा हुआ है अल्लाह के अलावा? इन अल्लाह युमसिकु समावाति वल अर्ध अन तज़ूला, अल्लाह ने आसमान ज़मीन को थामा हुआ कहीं वो गिर ना जाएँ। वला इन ज़ालता, अगर ये गिर जाएँ, इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी, कौन है इन्हें रोकने वाला अल्लाह के बाद? ये परिंदे हवाओं में उड़ते हैं, हम इनको क्योंकि एक रूटीन की चीज़ है, हमें रोज़ाना नज़र आता है तो हमें अजीब नहीं लगता, वरना ये परिंदों को आसमानों में कौन थामे हुए हैं? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, इन्हें रहमान ने थामा हुआ है फ़जाओं में। ये पर बंद भी करते हैं, पर फैला भी लेते हैं, सिर्फ परों का मारना इनके आसमान में रहने के लिए, उड़ने के लिए काफ़ी नहीं है, अल्लाह है जो इन्हें थामे हुए है। ये समुद्रों में बड़े बड़े जहाज, पहाड़ों की तरह के, वो मिन आयाति हिल जवारी फिल बहरी कल आलाम, ये दिन का आना, रात का आना, मुसलसल
अरबों सालों से, अल्लाह को पता है कब से, ये मुसलसल रात दिन दिन के बाद दिन नहीं आता, दिन के बाद रात नहीं आती, रात के बाद दिन आता है, रात के बाद रात नहीं आती, और ये हमेशा से है। और इसमें कोई एक लगा बंदा निज़ाम है अल्लाह का, उस लगे बंदे निज़ाम में कोई मिनटों का सेकंडों का भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये अल्लाह की छोटी निशानियां नहीं है, ये बादल हैं, फिजाओं में कायम दायम है। इन बादलों को किसने बनाया और किसने इनको आसमान जमीन के दरमियान मुसख़्खर किया हुआ है? कहने को बादल रूई के गालों की तरह हैं, कोई वजन नहीं है उनका, लेकिन जब इनमें पानी होता है, जब ये पानी से भरे हुए होते हैं, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक पानी बरसता नहीं है। ये हजारों लाखों टन पानी जो इनके अंदर होता है, तो वो ऐसे बादल जिनका कोई वजन नहीं है अपना, वो कैसे इतने भारी बादलों पानी को अपने अंदर उठाए रखते हैं? अगर ये पानी किसी एक टैंकी में ही हम जमा करें, तो हमें अपने छतों पर टैंकी अगर हम बनाएं बकायदा, हमारी मस्जिद है गुलशन टाउनशिप में, तो वहाँ हम टैंकी बनाई हुई थी हमने सेकंड फ्लोर पे, अब हम उसका एक फ्लोर एक छत मजीद डाल रहे हैं, एक लेंटर मजीद। अब हमने कहा कि हम टैंकी ऊपर कर लें, तो वो टैंकी अब वहाँ बनानी है, तो उसके लिए वो हमें इंजीनियर कह रहे थे, इंजीनियर साहब के इसके लिए हमें जो है ना, पता नहीं इतने टन पानी, इतने टन पानी बन जाएगा, तो इतने टन पानी को उठाने के लिए जो है वो हमें बीम वगैरह वो इतने मजबूत करने पड़ेंगे, और उसके लिए इतनी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो एक टैंकी में कितना पानी आता है, तो वो पानी इतना वजनी है, तो उसको उठाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह ने कैसे बादलों के अंदर हजारों टन पानी जो है, और बादलों का अपना कोई आप देखिए वजन और अपनी कैफियत क्या है। हत्ता इदा अकलत सहाबन सिकालन सुकनाहू लिबलदि मैयतिन, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो वो बादल पानी बरसाते हैं, वरना वो पानी उन्हीं के अंदर रहता है, जहां अल्लाह का हुक्म होता है वहां बादल पानी बरसाते हैं। हवाओं का चलना, तो ये बड़ी बड़ी अल्लाह की निशानियां हैं। ये रोज नई से नई मखलूक पैदा हो रही है, इंसान नए से नए दुनिया में आ रहे हैं, वो रोज आते हैं, तो हमें अजीब नहीं लगता। कोई खरके आदत तरीके से पैदा हो जाए तो हमें अजीब लगता है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश अजीब लगती है, सैयदा हव्वा की पैदाइश अजीब लगती है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बाप के बगैर हुई तो ईसाई कहने लगे कि वो तो अल्लाह है और अल्लाह का बेटा है। उनकी पैदाइश आम रूटीन से हटकर हुई, तो अल्लाह कहते हैं अगर उनकी पैदाइश बाप के बगैर हुई है और वो अल्लाह या अल्लाह के बेटे हो गए हैं ईसाइयों के नज़दीक, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम को क्या कहोगे? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद मांगी बुढ़ापे में, कहने लगे मैं बूढ़ा हूँ, बीवी बांझ है, लेकिन अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर हैं, अल्लाह ने बशारत दी औलाद की। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, फिर हैरान हुए कि कैसे औलाद होगी, सोचने लगे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ ज़करिया किस बात पर ताज्जुब कर रहे हो, हैरानगी किस बात पे है, तुम बूढ़े हो, तुम्हारी बीवी बांझ है, तुम्हें ये लग रहा है कि औलाद कैसे होगी? अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हें अल्लाह ने आदम से पैदा किया। अल्लाह ने यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश की दलील आम पैदाइश से दी है। आम पैदाइश को कभी हल्का नहीं समझना चाहिए, कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। हमारा सांस चल रहा है, हमारे जिस्म के अंदर कितने निज़ाम चल रहे हैं, तो ये अल्लाह की बड़ी बड़ी कुदरतें मौजूद है। फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ये आसमानों में अजरामे फलकी, ये गैलेक्सीज अरबों के हिसाब से, खरबों के हिसाब से गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में खरबों के हिसाब से हमारे सूरज की तरह के सोलर सिस्टम है। कितनी बड़ी ये कायनात है, और ये तो वो है अभी तक कि हमने जो दूरबीनें बनाई हैं, अभी तक उन दूरबीनों से जितना हम इस हल्का फुल्का देख सके हैं इस कायनात को, अभी कितनी मजीद दूरबीनें बनती हैं और कितना मजीद हम देखते हैं, और ये सारा का सारा पहले आसमान के नीचे है। तो इंसान गौर करे तो एक एक चीज में अल्लाह की निशानी नजर आती है, अल्लाह की अजमत नजर आती है, अल्लाह की कारगुजारी नजर आती है। वकाई मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुरून अलैहा वहुम अन्हा मुरिदून, अल्लाह फरमाते हैं कि जमीनों आसमान की कितनी निशानियों से रोजाना गुजर जाते हैं, एराज कर रहे हैं, तवज्जो ही नहीं दे रहे। तवज्जो देना चाहिए इंसान को, तो इंसान को एक एक चीज में निशानी नजर आएगी। वफी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, हर शय के अंदर इंसान का गौर करने वाला दिल होना चाहिए
देखने वाली आंख होनी चाहिए। हर चीज के अंदर निशानी नजर आएगी जो न सिर्फ अल्लाह के होने पर दलालत करती है बल्कि अल्लाह की तौहीद पर, अल्लाह के एक होने पर भी दलालत करती है। तो इतनी बड़ी बड़ी निशानियां हैं, तो असहाबे कहफ और असहाबे रकीम कोई अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी, बहुत अजीब निशानी तो नहीं है? बहुत बड़ी निशानी है, ये समझ लो कि जैसे बस यही बहुत बड़ी निशानी है। नहीं, इससे बहुत बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। तो फरमाया कि क्या आप गुमान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बेशक कहफ वाले, कहफ कहते हैं गार को, गार वाले, वर रकीमी और रकीम वाले, तो रकीम का माना मुफस्सिरीन ने किया है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं ये बस्ती थी उसका नाम रकीम था। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये उस पहाड़ का नाम है जिस पहाड़ के अंदर वो गार था, जिस गार के अंदर ये असहाबे कहफ सोए रहे। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये रकीम बमाना मरकूम है, फ़ईल बमाना मफ़ूल, फ़ईल मफ़ूल के माने में भी आते हैं, वजन फ़ईल रकीम फ़ईल का वजन है। अगर ये फ़ईल वजन है तो गोया कि इसका रूट क्या हुआ, रा काफ मीम, और ये रकीम मरकूम के माने में है, मफ़ूल के माने में, जैसा कतील। फ़ईल बाज़ दफ़ा फ़ाइल के माने में होता है, बाज़ दफ़ा मफ़ूल के माने में होता है। बाज दफा फाइल फाइल के माने में, बाज दफा मफूल के माने में। मसलन आपको मैं मिसाल देता हूँ, मसलन रहीम है, रहीम किससे है, इसके रूट क्या हुए, राहा मीम। तो ये फाइल के माने में है कि मफूल के माने में है, रहम करने वाला या जिस पर रहम किया जाए, रहीम रहम रहम करने वाला, बहुत रहम करने वाला। ये इसम फाइल के माने में है बल्कि इसमें मुबालगा है, ठीक है, रहीम तो ये फाइल के माने में है, करीम फाइल के माने में है, हकीम हिकमत वाला ये फाइल के माने में है। अक्सर ये फाइल के माने में होता है, लेकिन ये मफूल के माने में भी आता है, जैसे कतील। अब कतील कातिल को कहते हैं कि मकतूल को कहते हैं अरबी जबान में, अरबी जबान में कतील मकतूल को कहते हैं। रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम रजम से है, रजम पत्थर मारने को कहते हैं। अब रजीम मारने वाले के माना में है ये जिसको मारा जाए, धुतकारने वाला ये जिसको धुतकारा जाए, तो ये रजीम मफूल के माने में हुआ कि फाइल के माने में हुआ। अश्शैतानिर रजीम, शैतान मरदूद। मफूल तो जो फाइल मफूल जी, जो फाइल का वजन है ये फाइल के माने में भी आता है, मफूल के माने में भी आता है। तो बाद मुफस्सिरीन की राय यह है कि ये रकीम फाइल बमाना मफूल है, मरकूम, और रकम करना लिखना, रा काफ मीम का मतलब लिखना, तो मरकूम का मतलब लिखा हुआ। तो बाद मुफस्सिरीन की राय यह है कि रकीम उस तख्ती का नाम है जिस तख्ती के ऊपर उस यानी लिखी हुई चीज, तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था, यानी इनके नाम लिख दिए गए थे तख्ती पर। तो जिस तरह ये गार मशहूर हो गया बाद में, तो वो तख्ती जिस पर इनके बाद में नाम, ये जब दोबारा उठे जब 309 साल के बाद, तो फिर दोबारा वो गार के खाना वाला रहने निकला एक इनमें से बंदा, तो वो अब अजीब मामला हुआ, वो जहां भी जाए। तो अब तो 300 साल गुजर चुके थे, अब करेंसी भी पुरानी, और जब लोगों को पता लगा इनके बारे में, तो जो भी मामला हुआ बारहल के बारे में पता लगा, अब इन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, परेशान हुए, सो गए, तो फिर शायद फौत हो गए दोबारा, जो भी हुआ अल्लाह को पता है। तो अब लोगों ने कहा मस्जिद बनाए, वो जगह बड़ी मशहूर हो गई, तो तख्ती वगैरह पर इनके नाम भी लिख दिए गए। तो बाज़ मुफस्सिरीन की राय यह है कि उस तख्ती को रकीम कहते हैं, बमाना मरकूम, जिस पे इनके नाम लिखे हैं। लेकिन तीन राय हैं, एक राय के रकीम बस्ती का नाम है, एक उस गार का नाम है, तीसरा जिस पर इनके नाम लिखे हुए थे, रकीम बमाना मरकूम है, फ़ाइल बमाना मफ़ऊल। लेकिन अगर राजे राय देखें तो बाद मुफस्सिरीन कहते हैं राजे राय ये महसूस होती है कि ये बस्ती का नाम, पहली राय ज़्यादा राजे महसूस होती है, इसलिए कहते हैं उस बस्ती जिस बस्ती
में ये गार मौजूद है, ये पहाड़ ये गार मौजूद है, उस बस्ती का नाम आज भी अर रकीब है, आले रकीब या अर रकीब करके। तो वो अर रकीम से ही, उसी से उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानते हैं, गालिब गुमान यही है कि ये बस्ती का नाम है। तो ये असहाबुल कहफ भी हैं और असहाबुल रकीम भी हैं, तो गार वाले रकीम वाले यानी रकीम नामी बस्ती वाले। क्या आप ख्याल करते हैं कि गार वाले रकीम वाले ये हमारी निशानियों में बड़ी कोई अजीब निशानी है? नहीं, ये भी अजीब निशानी नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी अजीब निशानियां और भी हैं, ये मुराद है। और इस सवाल के अंदर इनकार है कि इसको बहुत बड़ी निशानी ख्याल ना करो, ये बड़ी निशानी है, ठीक है, इससे बहुत बड़ी बड़ी निशानियां मौजूद हैं। इज़ा वल्फितयतु इलल कहफ़, जब पना ली थी नौजवानों ने इलल कहफ़ गार की तरफ, फ़कालू तो उन्होंने कहा, रब्बना ए हमारे रब, रब्बना असल में या रब्बना है, आतीना दे हमें, मिल लदुन का अपने पास से, खास अपने पास से, रहमतन रहमत, ए अल्लाह हमें अपने पास से खास रहमत अता फरमा, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और मुहैया कर और दे हमें हमारे लिए, अब मिन अमरिना हमारे मामले में, रशदा दुरुस्तगी, ए अल्लाह हमारे हमें दुरुस्तगी मुहैया कर, हमारे साथ दुरुस्तगी वाला रवैया रख, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई कर। तो कुछ नौजवानों ने पना ली थी, फितिया किसकी जमा है, इसका वाहिद क्या होता है? फितिया तो जमा है ना, तो इसका वाहिद क्या हुआ? फता। वो फाता और या होता है उसको, पता नहीं, फता पढ़ते हैं। फतन या फता, तो फता नौजवान, नौजवान को फता कहते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि रुक रुक के आ रही है? तो फता नौजवान को, वही खाल मूसा ने फता हूँ, ये इनके बारे में आता है कि वो जब ये यरूशलम में दाखिल होने से पहले इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि वो सूरज रुक गया था। वो आगे आ रहे अभी। नहीं, इनका नहीं, यूशा बिन नून के बारे में। हाँ, यूशा बिन नून के बारे में है, सही हदीस में मौजूद है। वो कहते हैं हदाली के बारे में, हदाली के बारे में वो सही नहीं है हदीस, इनके बारे में सही हदीस है, हजर यूशा के बारे में, हजर मूसा के बाद। अल्लाह ने वादा किया था बैतुल मक़दिस में अगर ये दाखिल हों तो इन्हें फतह हो जाएगी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं की हजरत मूसा के दौर में, हजरत मूसा और हजरत हारून के दौर में, और इन्होंने कहा बड़ी बेनियाजी के साथ, या मूसा जाओ तुम और तुम्हारे रब लड़ो, हम यहाँ बैठ कर इंतजार करते हैं, अगर वो लोग चले गए वहां से तो हम दाखिल हो जाएंगे। तो अल्लाह ने इनके इस रवैये की वजह से, इस बुजदिली की वजह से अल्लाह ने इनपे 40 साल के लिए वो जगह हराम कर दी। अब 40 साल के बाद ये फिर हजरत यूशा बिन नून, हजरत मूसा के बाद वो नबी बने थे, तो उनके सरकर्दगी में ये फिर दाखिल हुए थे, वल्लाहु आलम। तो फितिया जमा है फतह की, फतह की जमा फितिया भी आती है, फितियान भी आती है। तो फितिया फ़िला ये जमा किल्लत का वजन है, कुछ जमे हो। अब अरबी जबान इतनी वसी जबान है तो इसमें वाहि से जब जमा बनती है तो कुछ जमा के वजन है जो जिसको हम कहते हैं जमा किल्लत के वजन है वो, और कुछ जमा कसरत के वजन है। तो जमा किल्लत का मतलब है कि जो 9 या 9 से कम कम अफराद हों तो उसको जमा किल्लत कहते हैं। उसके लिए जो जमा का वजन है उनमें से एक वजन फ़िला है, फितिया फतह से। तो इससे पता लगता है कि ये चंद नौजवान थे, कोई 10 या उससे ज्यादा नहीं थे, ये 9 या 9 से कम कम ही थे। तो जब कुछ नौजवानों ने पना ली, अब लोग इख्तलाफ करते रहे बाद में ये कितने थे, कुछ कहते रहे कि 3 थे, इनके साथ इनका कुत्ता भी था चौथा, कुछ कहने लगे कि ये 5 थे, इनके साथ इनका छठा कुत्ता था, कुछ कहने लगे कि ये 7 थे और इनका इनके साथ
इनका कुत्ता आठवां था। अल्लाह ने तीनों कौल जिक्र किए हैं, आगे हम पढ़ेंगे जाकर। सयकूलूना सलातातु राबिउहुम कल्बुहुम व यकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिल गैब व यकूलूना सबअतुन व थामिनुहुम कल्बुहुम। अल्लाह ने तीन कौल जिक्र किए हैं, पहले दो कौलों पर अल्लाह ने तबसरा किया कि ये अटकल पच्चू हैं, ये अंदाजे हैं, और तीसरे कौल के बारे में अल्लाह ने कोई तबसरा नहीं किया। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ। اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرا رب زیادہ ان کی تعداد کے بارے میں جانتا ہے، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں وہ کتنے تھے۔ سیدنا ابن عباس دیگر مفسرین کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں اللہ نے تین قول ذکر کیے، تین قول میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دو قولوں کو تو اٹکل پچو اور اندازہ کہہ دیا اور تیسرے قول پر تبصرہ نہیں کیا، تو اس سے پتہ لگتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے۔ راجے بات یہی ہے، لیکن قرآن کریم بار بار زور دیتا ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں پر جو چیزیں خارجی ہیں، جن چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے، ہمیں ان کے پیچھے بہت زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر آدم نے کون سا درخت کا پھل کھایا تھا، اصل میں وہ درخت کا پھل کون سا، وہ کون سا درخت تھا اور وہ کھایا تھا، کتنا کھایا تھا، ان تفصیلات کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہے۔ اصل میں قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تفصیلات بیان کرے قصے کی، اصل میں اسے جو مقصد ہوتا ہے وہ بیان کرنا ہوتا ہے، تو اس مقصد بیان کرنے کے لیے وہ رنگ کیا تھا، تعداد کتنی تھی، وہ درخت کون سا تھا، بعض دفعہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس جس چیز سے کوئی نہ کوئی نقطہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہوتا ہے اللہ نے، اللہ وہ چیزیں بیان کر دیتے ہیں، اور جہاں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی تو وہاں اللہ تعالیٰ تفصیل بیان نہیں کرتے۔ تو بہرحال ان چیزوں کے پیچھے بہت زیادہ تکلف سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال محسوس یہی ہوتا کہ سات لوگ تھے، واللہ عالم۔ جب پناہ لی کچھ نوجوانوں نے الی الکہفی، غار کی طرف پناہ لی انہوں نے، غار کی طرف، ان کو ڈر تھا اپنی قوم کا کہ قوم والے ہمیں کہیں پتھر مار مار کے مار نہ دیں، کیونکہ قوم میں کفر شرک موجود تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ کب تھے، بعض مفسرین کی رائے یہ کہ حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں، بعض مفسرین کی رائے یہ نہیں، حضرت عیسیٰ سے پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، تو وہ بادشاہ جو ہے بڑا ظالم، بڑا مشرک، اور شرک کو پروموٹ کرنے والا، بدعات کو پروموٹ کرنے والا، بتوں کے لیے، معبودوں کے لیے نظر و نیاز اور اس قسم کی چیزیں۔ تو یہ لوگ تھے جو حق پر تھے، توحید پر تھے، تو انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تو آہستہ آہستہ ان کی شہرت دربار تک بھی پہنچ گئی، تو ان کو دربار میں طلب کیا گیا، تو انہوں نے دربار میں جا کر بھی انہوں نے حق کا علم بلند کیا۔ تو ان کو بہرحال اندازہ ہو گیا حالات سے کہ یہ شاید مزید برداشت نہ کر سکے، معاملہ تو دربار تک بھی پہنچ گیا، تو ان کو پتہ لگا کہ اگر ہم زیادہ دعوت کا کام کریں گے تو شاید ہمیں قتل ہی کر ڈالیں۔ تو اصل میں جان دینا تو کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ختم ہو جانا اور اپنی جان دے دینا یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کو جان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان وقتی طور پہ پیچھے ہٹ جائے، اگر اس قسم کے حالات ہوں، لوگ تشدد پر، ظلم زیادتی پر اتر آئیں، تو بعد میں دوبارہ دعوت دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اب ان کو موت کا ڈر تھا، وہ آگے آیات سے پتہ لگتا ہے، ان کو باقاعدہ رجم کرنے کی، پتھر مار مار کر مارنے کی دھمکی ملی، اس قسم کی دھمکیاں ملیں، تو یہ انہوں نے ان کی وجہ سے اپنا عقیدہ تو نہ چھوڑا، انہوں نے کہا کہ چلیں ہم اپنا ایمان تو بچائیں وقتی طور پر۔ تو یہ اتنے مضبوط تھے اپنے عقیدے میں کہ لوگوں کے ڈر سے، بادشاہ کے ڈر سے، انہوں نے اپنی کوئی تبدیلی تو نہ کی، لیکن یہ کچھ دیر کے لیے انہوں نے کہا ہم ذرا غار کے اندر، ہم غار میں چھپ کر ہم ذرا اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو تو بچائیں۔ ان کے ذہن میں ہوگا پھر کچھ دیر بعد حالات سازگار ہوں گے تو دوبارہ ہم جائیں گے، دوبارہ جا کر دعوت وغیرہ کا کام کریں گے۔ تو اس اول فتیت الی الکہفی، جب پناہ لی نوجوانوں نے غار کی طرف، مخصوص حالات میں انسان فتنوں سے بچ کر
पहाड़ वगैरह में, पहाड़ वगैरह की तरफ पना ले सकता है। अहादीस मुबारक में भी आते हैं। वैसे तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि इंसान मुश्किलात से घबराए नहीं। इंसान इंसान दुनिया में आया है तो मुश्किलात का सामना करने के लिए आया है, और इंसान को मर्दाना वार मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए, मुश्किलात का सामना करना चाहिए। ये नहीं कि इंसान को थोड़ी सी मुश्किल पेश आए और इंसान जो है ना वो जंगलों की तरफ निकल आए और इंसान रहबानियत इख्तियार कर ले, तरके दुनिया इख्तियार कर ले। नहीं, इस दुनिया के अंदर दीन को गालिब करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए मुकाबला होगा, मुकाबला करना चाहिए, और उसके लिए कुर्बानियां जो भी हों, आफियत मांगनी चाहिए, कहीं कुर्बानी देनी पड़ी कुर्बानी भी देनी चाहिए। लेकिन अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो तो वक्ती तौर पर अपने ईमान को बचाने के लिए, फितना ज़्यादा सर पे आ जाए तो फितनों से बचाने के लिए, वक्ती ज़रूरत के लिए इंसान कुछ देर के लिए किनारा कशी भी इख्तियार कर सकता है। जैसे बाद अहादीस मुबारक में आता है कि कुर्बे क्यामत जब फितने बढ़ जाएंगे तो कुछ लोग अपने दीन को बचाने के लिए वो खुशकिस्मत होंगे, जो पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे, पहाड़ों की चोटियों की तरफ। वो कहेंगे हम बकरियां पाल कर हम अपना रोजी रोटी पूरी कर लें, अपने दीन को बचा लें, हम फितनों से बच जाएं। तो ये भी तारीफ आई है, कुर्बे क्यामत फितने इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो इसकी गुंजाइश है अगर फितने ज्यादा हो जाएं वक्ती तौर पर। मुस्तकिल तौर पर तो तरके दुनिया और ये चीज़ें ठीक नहीं है, मुकाबला करना चाहिए। लेकिन अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएं तो जैसे जंग में भी इजाज़त है कि इंसान वक्ती तौर पर ज़्यादा तादाद इकट्ठी करने के लिए, एक दफ़ा कुफार ज़्यादा हमलावर हो जाएं, अपनी जान देना तो कोई मकसद नहीं है। असल मकसद तो है इंसान अपनी जान बचाए, दोबारा नेसरे से हिम्मत इकट्ठी करे, ये ना हो कि बुजदिल होकर वो अपना मौके छोड़ दे, अपने दीन से ही मुर्तद हो जाए। नहीं, अपने मौके पर बरकरार रहे, नए सिरे से तैयारी करके फिर दोबारा इंसान मैदान अमल में उतरे। तो इन्होंने सोचा कि हम पना लें गार में, कम से कम अपना दीन तो बचाएं, फिर आगे देखेंगे। तो इन्होंने पना ली कुछ नौजवानों ने, इलल्काहफी गार की तरफ। फकालू, और इन्होंने कहा, रब्बना आतिना मिल्लदुन का रहमा, ए अल्लाह तू दे हमें अपने पास से, खास अपने पास से रहमत। ए अल्लाह आपकी रहमत की ज़रूरत है। अपनी तरफ से जो वो अपने बचाव की कोशिश कर सकते, उन्होंने अपना बचाव किया, गार में पनाह ली, दूर दराज के गार में जहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते थे, वहाँ जाके पनाह ली, और फिर अल्लाह से दुआ भी मांगी, ए अल्लाह आपकी आप अपने खास रहमत अता करें, आप हमें बचाएं जालिमों से। वही लना मिन अमरिना रशदा, और मुहैया कर हमें हमारे मामले में दुरुस्तगी, या अल्लाह हमसे कोई सही फैसला करवा दे, कोई हमसे अच्छा काम करवा दे। अल्लाह से दुआ मांगते रहने चाहिए। फ़ज़रबना अला आज़ामिहिम, अब इनको तो नहीं पता था क्या होगा, इन्होंने तो वक्ती तौर पे अपने आप अपना ईमान बचाने के लिए ये काम किया। अल्लाह कहते हैं फ़ज़रबना अला आज़ामिहिम, ये खुलासा अल्लाह ने शुरू में दो तीन आयात में बयान किया। वो गार में आए, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, अल्लाह फरमाते हैं हमने मार दिया उनके कानों पर, फिलका फी गार में सिनीन अददा, कई साल हमने उनके कानों पर मार दिया। क्या मतलब? यानी हमने उनके कानों को बंद कर दिया, यानी अब अल्लाह ने उन्हें सुला दिया, या दूसरे लफ्जों में अल्लाह ने उन्हें मौत दे दी। अब ये कैफियत हो गई, अब ये गार के अंदर सोए हुए हैं, या गार के अंदर ये मरे हुए हैं, और इन्हें बाहर कोई चीज होती है तो इन्हें वो भी सुनाई नहीं देती। अब लंबे अरसे के लिए ये सो गए, या लंबे अरसे के लिए ये मर गए, तो अल्लाह ने इनके कानों पर मार दिया, यानी इनके कानों पर अल्लाह ने ऐसे बोझ डाल दिए, ये ऐसी ऐसा इंतजाम कर दिया, अभी अब इन्हें कानों में कोई चीज़ आवाज़ ही नहीं आ रही। अगर एक बंदा सोया हो तो आवाज़ें आती हैं, तो सोया बंदा भी उठ जाता है। तो अब ये इस अंदाज से सोए, या इस अंदाज से उसको सोना कहें, या मरना कहें, जो भी कहें, तो अब इनको कोई कोई चीज़ बाहर की सुनाई नहीं देती थी। तो कई साल, कई साल का जिक्र है यहाँ, वैसे तो कई सौ साल है, तो फिर ये कई सौ साल जो हैं ये गार में इनके कान बंद रहे, और ये गार में मरे रहे या सोए रहे। सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया, उनको उनकी नींद से या उनकी मौत से उन्हें जिंदा किया। लिनालम, ताकि हम जान लें, अय्युल हिजबैनी, के कौन दोनों गिरोहों में से, हिज्ब एक गिरोह और हिज्बैनी दोनों गिरोह, दोनों गिरोहों में से कौन अहसास ज्यादा शुमार करने वाला है। लिमा, उसको, लबीसू, जो वो ठहरे रहे अमदा मुदत। अल्लाह कहते हैं फिर हमने उन्हें उठाया,
जैसे उनको उठाया, अल्लाह कहते हैं क्यों उठाया, ताकि हम जान लें कि दोनों गिरोहों में से किस गिरोह ने मुद्दत को ज्यादा याद रखा है, कौन से दो गिरोह। बाज कहते हैं कि वो असाबे काहफ में दो गिरोह बन गए, कुछ कहने लगे कि हम तो बस कुछ घंटे सोए हैं, दिन दिन का कुछ हिस्सा। दूसरे कहने लगे नहीं, ऐसा महसूस होता कि हमें सोए हुए जमाना बीत गया है। कुछ अंदाजा हो गया कुछ लोगों को गार की कैफियत से, वो गार उठे तो गार में देखा, कोई गार से बाहर भी देखा होगा हल्का फुल्का, उन्हें अंदाजा हो गया कि बाज लोगों को अंदाजा हो गया कि नहीं ये मामला रूटीन का नहीं है, बाज लोगों को लगा रूटीन का मामला है। तो उन्हीं में दो गिरोह बन गए। बाद कहते हैं कि जी बाद वालों में दो गिरोह बन गए, कुछ कहने लगे कि जी वो 300 साल सोए रहे, कुछ कहने लगे 309 साल सोए रहे, कोई कमोबेश मुद्दत बयान करने लगे। तो अब सही मुद्दत का तो अल्लाह को पता है। तो अल्लाह कहते हैं हमने असल में फिर अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया वाकई दुश्मनों से, अल्लाह ने कोई और इंतजाम कर दिया दावत वगैरह का, अल्लाह ने इनको नींद दे दी, इनको अल्लाह ने मौत दे दी, और अल्लाह ने इनको असल में बहुत बड़ी निशानी बनाना था, और इससे अल्लाह की बहुत बड़ी एक अजमत का इजहार होना था। कौन सी अजमत? कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। जो अल्लाह मुर्दों को जिंदा कर सकता है 300 साल के बाद, 309 साल के बाद, वो अल्लाह मरने के बाद इंसान को दोबारा क्यों नहीं जिंदा कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हमने इन्हें पहले तो इनके कान बंद कर दिए, इन्हें सुला दिया, इनको ये मौत दे दी, फिर हमने इनको जिंदा कर दिया। और क्यों जिंदा किया? ताकि अब हम देखें कि दोनों गिरोहों में से किस गिरोह ने मुद्दत को ज्यादा याद रखा है। तो असल में ये अब लोगों में गुफ्तगू हो कि कितनी देर सोए रहे। अब जितनी देर भी सोए रहे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अल्लाह ने बता दिया कि 300 साल है, 309 साल है। वला बिसूफी काफीम सलासमिया तीन सनी नजदाद उतिसा, सुरकाफ में मौजूद है, वो 300 साल सोए रहे और मजीद 9 साल, 309 साल, 309 साल सोए रहे। अब वो जितना भी लोग बहस करेंगे इस बारे में, अल्लाह की अजमत ही आशकारा होगी, अल्लाह की कुदरत ही आशकारा होगी। तो इससे असल में ये मकसूद था कि लोगों को बास बादल मौत की एक बकायदा उनकी आंखों के सामने एक उनको अमली निशानी नजर आ जाए, जिससे अल्लाह की अजमत वाजे हो। हमेशा से लोग एतराज़ करते रहे जी मरने के बाद जिंदगी, तो ये बहुत बड़ी दलील है मरने के बाद की जिंदगी की। 100 साल के बाद वो जो बस्ती के पास ही गुजरे थे, वो 100 साल के बाद जिंदा हुए। इंसान रोजाना मरता है, रोजाना जिंदा होता है, हम रोजाना सोते हैं, मरना है वो, रोजाना जागते हैं, वो जिंदा होना है, रूह दोबारा लुटाई जाती है। बहुत बड़ी दलील है बास बादल मौत की, ये बारिश होती है मुर्दा जमीन के अंदर, जान पैदा होती है, बहुत बड़ी दलील है बास बादल मौत की। इंसान, सिर्फ इंसान ही ले लीजिए, इंसान के जिस्म में कितने सेल्स हैं जो मरते हैं और वो जिंदा होते हैं हर वक्त हर लम्हे। बहुत सारे दलाइल हैं बास बादल मौत के, उन बहुत सारे दलाइल में से एक बड़ी दलील ये भी है, ये बहुत बड़ी दलील है। तो अल्लाह ने इससे ये सबक दिया है ये वाक्य पढ़ने वालों को। तो ये अल्लाह ताला ने इस वाक्य को दो तीन आयात में खुलासे के साथ बयान कर दिए कि इन्होंने पनाह ली थी गार में, अल्लाह से दुआ मांगी, फिर अल्लाह ने इन्हें सुला दिया, फिर अल्लाह ने इन्हें जगाया। मकसद क्या था? अब ये कितना अरसा सोए रहे, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की कुदरत, उसका इजहार हो। तो ये अल्लाह ने खुलासा बयान कर दिया इनके किस्से का। फिर अल्लाह फरमाते हैं नहनु नकुसु अलैका नबअहुम बिलहक, हो गया ना, सुम्मा बअसनाहुम, फिर हमने उन्हें उठा दिया, जिंदा कर दिया, लिनअलमा, ताकि हम जान लें, अय्युल हिज़्बैनि, दोनों गिरोहों में से कौन सा गिरोह अहसास ज्यादा शुमार करने वाला है, लिमा लबिसु अमदा, उसके लिए जो वो ठहरे रहे मुद्दत। इसलिए हमने उन्हें सुलाया और इसलिए हमने उन्हें उठाया। सुलाने उठाने का मकसद क्या था? 309 साल सोए रहे, फिर अल्लाह ने इन्हें क्यों जगाया? अल्लाह वैसे ही मरे रहने देता, फिर क्यामत के दिन नहीं उठाता। अल्लाह ने इन्हें उठाया ताकि लोगों को भी पता लगे, ये लोगों के अंदर जाएं और लोगों को भी पता लगे कि ये वो लोग थे जो 309 साल पहले गायब हो गए थे। जब लोगों को पता लग गया, फिर अल्लाह ने इन्हें दोबारा मौत दे दी। दोबारा फिर ये ज्यादा अरसा जिंदा रहे नहीं रहे, महसूस ये होता है दोबारा फिर ये जिंदा नहीं रहे ज्यादा अरसा, फिर दोबारा सोए और फिर वो शायद फौत हो गए, जो भी था अल्लाह को बेहतर पता है। तो
मकसूद ये था कि लोगों को पता लगे कि मरने के बाद जिंदगी, अल्लाह ने उसकी अम्बी मिसाल एक दे दी, बहुत बड़ी कुदरत अल्लाह की। और ये बहुत बड़ी कुदरत भी सबसे बड़ी कुदरत नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी कुदरतें बहुत मौजूद है। कोई बंदा इसको बहुत बड़ी निशानी ना समझे, इससे बड़ी बड़ी निशानियां हजारों के हिसाब से मौजूद है, और ये भी एक बड़ी निशानी है। ये अल्लाह ने खुलासा बयान कर दिया, अब आगे इसको अल्लाह कुछ डिटेल के साथ बयान कर रहे हैं। नहनु नकुस्सु अलैका नबाअहुम बिलहक, हम किस्सा बयान करते हैं आपके ऊपर, नबाअहुम इनकी खबर का, बिलहक हक के साथ। अब अल्लाह उसको उसी किस्से को कुछ तफसील के साथ बयान कर रहे हैं। इससे पता लगता है कि अगर हमने कोई किस्सा बयान करना हो, कोई वाकया बयान करना हो, पहले उसको खुलासतन बयान कर दिया जाए, फिर उसको थोड़ा डिटेल के साथ बयान किया जाए, या इंसान पहले डिटेल के साथ बयान कर दे, आखिर में उसका खुलासा कर दे कम अज़ कम। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब इंसान लंबी बात करता है, कोई शख्स लंबी बात करता है, तो बाज़ दफ़ा अगला बंदे को समझ नहीं आती कि वो इसमें क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं। या तो शुरू में अहम पॉइंट्स बयान कर दिए जाए, या फिर आखिर में खुलासा कर दिया जाए। तो बहरहाल पहले अल्लाह ने मुख्तसरन किस्सा बयान किया दो तीन अल्फाज में, फिर अब अल्लाह ताला उसको डिटेल के साथ बयान कर रहे हैं। और अल्लाह कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किस्सा बयान करने लगे हैं आपके ऊपर इनकी खबर हक के साथ। ये किस्सा बिल्कुल हक के साथ बयान होगा, तो कुरान की हक्कानियत की बहुत बड़ी दलील, कुरान के किस्से। ये किस्से पिछली किताबों में मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पिछली किताबें पढ़ी नहीं, पिछली किताबों में किस्से मौजूद हैं। कुरान उन किस्सों को बिल्कुल एक्यूरेट अंदाज से बयान कर रहा है, तो ये कुरान की हकानियत की बहुत बड़ी दलील भी है। और कुरान की एक बात सच्ची है, हम आप पर किस्सा बयान करते हैं इनकी खबर हक के साथ। इन्नहुम फितयतुन, बेशक वो कुछ नौजवान थे। राजा राय के मुताबिक सात थे, वल्लाहु आलम। आमनू बे रब्बिहिम, वो अपने रब पर ईमान लाए थे। वज़िदनाहुम हुदा, और हमने ज्यादा किया था उन्हें हिदायत में। तो पूरा मुआशरा खराब हो चुका था, ये चंद लोग थे जो अल्लाह पर ईमान लाए। और फिर अल्लाह कहते हैं जब ये अल्लाह पर ईमान लाए तो हमने इनकी हिदायत को ज्यादा कर दिया। तो अल्लाह किसकी हिदायत को ज्यादा करते हैं? जो ईमान लाता है, यानी जो बंदा नेकी करता है, अल्लाह उसकी नेकी मजीद बढ़ा देते हैं। नेकी नेकी को खींचती है, बहुत बड़ा उसूल है, जो यहाँ से भी पता लगता है और कुरान करीम कई आयात से और भी पता लगता है कि जब ये ईमान लाए तो अल्लाह कहते हैं हमने इनकी हदायत को मजीद बढ़ा दी है। ये नहीं होता कि एक बंदा ईमान ना लाए और अल्लाह डायरेक्ट ही उसकी हदायत को बढ़ा दे, नहीं। कोई बंदा नेकी करता है, फिर अल्लाह उसको मजीद नेकी की तौफीक देते हैं, मजीद उसके लिए रास्ते आसान करते हैं। तो ये ईमान लाए तो अल्लाह ने फिर इनकी हदायत को बढ़ा दिया, इनके ईमान को बढ़ा दिया, इनके अल्लाह पे तवक्कुल को बढ़ा दिया। तो नेकी नेकी को खींचती है, जो बंदा नेकी इख्तियार करता है तो फिर अल्लाह की तरफ से मजीद हिदायत मिलती है, जैसे यहाँ है और जैसे सूरह मोहम्मद में वल्लदीना हतदौ ज़ादहुम हुदा व आताहुम तक्वाहुम। सूरह मोहम्मद में अल्लाह फरमाते हैं जो लोग हदायत याफ्ता होते हैं, अल्लाह उनकी हिदायत को बढ़ा देते हैं और अल्लाह उन्हें तकवा भी अता करते हैं। तकवा हर इबादत तौहीद का जो नतीजा है, जिसके लिए अल्लाह तौहीद का हुक्म देते हैं, और हर इबादत से बुनियाद तकवा का हुसूल है। तो अल्लाह कहते हैं तकवा कैसे हासिल होता है? जब कोई बंदा खुद नेकी करने की कोशिश करता है, हदायत याफ्ता होता है। वल्लदीना हतदौ ज़ादहुम हुदा, जो हदायत याफ्ता होते हैं लोग, अल्लाह उनकी हिदायत को बढ़ा भी देते हैं। वआताहुम तक्वाहुम, अल्लाह उन्हें तकवा भी देते हैं, अल्लाह उन्हें अपना डर भी नसीब करते हैं। तो तकवा अल्लाह की तरफ से उनके दिलों में गोया के उतरता है, और तकवा वो चीज़ है अल्लाह का डर, जो जन्नत में ले जाने का एक बड़ा मौसर जरिया है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हम इस जन्नत का वारिस अपने बंदों में से मुत्तकी शख्स को बनाएंगे। तो तकवा किसे मिलता है? जो बंदा नेकी करने की कोशिश करे। हम कहें कि हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है, हमारे अंदर वो सिफात नहीं है, हमें नेकी करने का भाई हम कोशिश तो करें, हम हदायत याफ्ता तो होने की कोशिश करें, हम ईमान तो लाएं, कुछ ईमान के मुताबिक अमल तो करने की कोशिश करें, कुछ अल्लाह को दिखाएं तो सही करके, फिर देखें अल्लाह की मदद कैसे शामिल हाल होती है। फिर अल्लाह हिदायत मजीद हिदायत भी देंगे, अल्लाह मजीद वल्लदीना हतदौ ज़ादहुम हुदा, जो लोग हदायत याफ्ता होते हैं अल्लाह हदायत को भी बढ़ा देते हैं, और फिर तकवा अल्लाह की तरफ से अता होता है, आसमानों से नाजिल होता है ऐसे लोगों के दिलों पर।
अल्लाह की तरफ से मदद होती है, लेकिन उसके लिए खुद कुछ करके दिखाना पड़ता है। हम कहें जी हमारे बच्चे नेक नहीं हैं, बच्चों की तरबियत करेंगे नहीं तो नेक कैसे होंगे, बच्चों की तरबियत के लिए कुर्बानी नहीं देंगे। हम ख्वाहिश करते रहें कि जी फलां लोग बड़े नेक हैं, फलां बुजुर्ग बड़े नेक थे, हमारे सलफ सालिहीन बड़े नेक थे, उनके बच्चे बड़े अच्छी तरबियत करते थे। सिर्फ सोचने से, सिर्फ ख्वाहिश करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमने सूरह बनी इसराइल के शुरू में भी पढ़ा, दुनिया तो सिर्फ चाहने से मिल जाती है, आखिरत सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। करेंगे अल्लाह की तरफ से फिर मजीद राहें भी खुलेंगी, अल्लाह की तरफ से अनायात भी होंगी, लेकिन उसके लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا और हमने बांध दिया उनके दिलों पर, इज कामू जब वो खड़े हुए, फ़कालू तो उन्होंने कहा رب السماواتِ ربنا رب السماواتِ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، والارضی اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے علاوہ الہن کسی اور معبود کو، لقد قلنا البتہ تحقیق ہم کہیں گے اذن اس وقت شطط زیادتی کی بات۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو بھی باندھ دیا، دلوں کو باندھ دیا کیا مطلب، دل کو مضبوط کر دیا، بہادری اللہ نے عطا کر دی۔ جب کوئی اللہ کے لیے کچھ کرنے کا ٹھان لیتا ہے، سوچتا ہے میں نے نیکی کرنی ہے، پیچھے ایمان کی بات آئی ہے، ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ جب انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایمان صرف زبان سے نہیں، زبان سے کلمہ ایمان پڑھا، دل میں تصدیق کی، عمل سے جب عمل کرنے کی کوشش کی، اللہ کو عمل کر کے دکھایا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ہدایت بھی بڑھائی، ہم نے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ دل کے اندر خوف آتا ہے، پوری دنیا ایک طرف ہے، بادشاہ ایک طرف ہے، پورا معاشرہ ایک طرف ہے، ہم چند لوگ ہیں، چند نوجوان، نوجوانوں کا کام ہے کہ لوگ نوجوان بڑے بڑے کام کریں، معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ کھیل کود کا شکار ہوتے ہیں، تو نوجوانوں کی توجہ، ان کے اندر جوش ہوتا ہے، کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، تو اگر وہ ارادہ کریں نیکی کرنے کا، نیکی کریں، پھر اللہ کی طرف سے خاص مدد ہوتی ہے، پھر اللہ ان کی ہدایت کو بھی بڑھاتے ہیں، اور پھر اللہ دلوں کو بھی باندھ دیتے ہیں، پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا اللہ کے علاوہ۔ لیکن یہ چیز کب حاصل ہوتی ہے، یہ یقین، یہ بہادری، یہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب انسان کچھ کرتا ہے پہلے، کہ صرف سوچنے سے، صرف خواہش کرنے سے یہ چیزیں نہیں ملتی، اس کے لیے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے پہلے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھا بھی دیا، اور ہم نے ان کے دل کو باندھ بھی دیا، ہم نے انہیں بہادری بھی عطا کر دی۔ کب بہادری عطا کی انہیں؟ اس قوم مجھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ کر کے دکھایا، انہوں نے سوچ دیا کہ اب ہم نے دعوت دینی ہے، مخالفت ہوگی کوئی بات نہیں، مخالفت سہ لیں گے، کوئی تکلیف دے گا برداشت کر لیں گے، ہم نے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، ہم نے حق بات بتانی ہی بتانی ہے، خود بھی ٹھیک ہونا ہے، لوگوں کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب انہوں نے کھڑے ہونے کا ارادہ کر لیا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے دلوں کو بھی مضبوط کر دیا۔ بہادری کوئی طاقت کا نام نہیں ہے، کوئی بندہ بہت طاقتور ہوگا، بڑے اس کے مسلز ہوں گے تو وہ بڑا بہادر ہوگا، یہ بہادری بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جیسے تقوی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، یہ بہادری بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، انسان کو ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ انسان سوچ لے کہ میں نے کام کرنا ہے، تو جب انسان یہ سوچ لیتا ہے، یہ عزم، یہ پہاڑوں جیسا مضبوط ہو جاتا ہے، انسان سوچتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، تو پھر کہنے کو انسان دیکھنے میں چاہے بہت زیادہ طاقتور نہ بھی ہو، لیکن جب ایک انسان ارادہ کرتا ہے، تو پھر انسان کا ارادہ اسے پہاڑوں کی طرح مضبوط کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ کی طرف سے پھر یہ مدد ہوتی ہے کہ اللہ دلوں کو باندھ دیتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر بہادری پیدا کر دیتے ہیں، پھر اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کو، جب وہ کھڑے ہوئے، یعنی جب انہوں نے ارادہ کیا وہ کھڑے ہوں گے، کوئی مشکل برداشت کرنی پڑی کریں گے، لیکن اللہ کے دین کی دعوت دیں گے۔ انہوں نے، اچھا صرف انہوں نے ارادہ نہیں کیا، صرف اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں کیا،
उन्होंने वादा किया कि हम ये करेंगे, अल्लाह ने मदद की, उन्होंने ये इरादा करने के साथ अल्लाह से मदद भी मांगी। तवक्कुल का मतलब ये है इंसान जो अपना कोशिश कर सकता है, अपना इरादा कर सकता है, इंसान अपना इरादा करे फिर मदद अल्लाह से मांगे। ये नहीं कि इंसान बस के अब बस मैं लगा हूं कुछ करने, अब इंसान सारी तवज्जो अपने करने की तरफ ही रखे, अपनी कार्रवाई की तरफ रखे, अपने कुव्वते बाजू पर भी भरोसा नहीं करना। सारा इंसान क्या कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो इंसान को इरादा करना है, पुख्ता इरादा करना है, काविश करनी है, काम शुरू करना है, अल्लाह की मदद होगी, लेकिन इंसान को अल्लाह से साथ मदद भी मांगनी है। शुरू में भी हमने पढ़ा इस दवाल फिर जब उन्होंने गार में पनाह ली फिर भी अल्लाह से मदद मांगी। यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं कि जब उन्होंने खड़े होने का इरादा किया, दावत देने का इरादा किया, हर किस्म की मुश्किल मुश्किल सहने का इरादा किया, तो साथ अल्लाह से मदद भी मांगी। अल्लाह का उन्होंने कहा रब्बुना रब्बु समावाती, हमारा रब तो आसमानों जमीन का रब है। लन नदउअ मिन दूनिही इलाहन, हम हरगिज नहीं पुकारेंगे उसके अलावा किसी दूसरे माबूद को। उन्होंने कहा हमारी पूरी कौम शिर्क पे लगी है, हम ये काम नहीं करेंगे। हम रब्बु समावात वल अर्ज को छोड़कर हम किसी दूसरे आजिज शख्स को, किसी मखलूक को क्यों रब बना लें? हमारी बेवकूफ कौम की तरह वो बेवकूफी कर रही है, हम ये काम क्यों करें? हमारा रब तो जमीन और आसमान का रब है, हरगिज नहीं हम पुकारेंगे उसके अलावा किसी दूसरे माबूद को। लकद कुलना, अलबत्ता तहकीक हम कहेंगे, इज़न उस वक्त, किस वक्त, अगर हमने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे माबूद को पुकारा उस वक्त, अगर हमने भी ये काम किया अपनी कौम की तरह, तो अलबत्ता तहकीक हम कहेंगे उस वक्त। शतता ज्यादती की बात, ये कितनी बड़ी ज्यादती की बात होगी कि रब्बुस समावात वल अर्ज को छोड़कर हम आजिज लोगों को माबूद बना लें, उनको नजर नियाज देना शुरू कर दें, हम उनकी बातें शुरू कर दें, उनसे हाजतें मांगना शुरू कर दें। हाउलाई कौमुन अत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये हमारी कौम है, इन्होंने पकड़ लिया अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों को, ये अल्लाह के अलावा शिर्क करते हैं, अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद पकड़ रहे हैं। चलें बस करते हैं इसी पर, यहाँ से फिर कल शुरू करेंगे आयत नंबर 15, इसी पर बस करते हैं।